पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं देश में उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं, गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड, अब लड़ाई ये है, लोकतंत्र में इलेक्टेड बड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बंदे तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला है। सो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि पार्टी के नाम में ही मोर्चा लिखा हुआ है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो हम लोगों को एक और आंदोलन करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता देश की ये उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि ऐसे फरमान जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं एक होकर। आपस की लड़ाइयां, छोटी मोटी विचारिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एक होना पड़ेगा।